बच्चों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है? देखो, ये थोड़ा मैंने कल के लेक्चर में बताया था, यहां पे फिर से मैं थोड़ा रिवाइज कर दूं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है। इक्विपोटेंशियल सरफेस ये क्या होती है? इक्विपोटेंशियल सरफेस, देखो बच्चों, मान लो कोई एक चार्ज यहां पे रखा है, तो ये जो चार्ज है कैपिटल क्यू, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 5 कूलम, 10 कूलम, 15 कूलम, कुछ भी। लेकिन ये चार्ज से 2 मीटर डिस्टेंस पे, मींस आर डिस्टेंस पे एक पी पॉइंट होगा। तो ये पी पॉइंट पे जितना पोटेंशियल होगा, वी इक्वल्स टू के ये क्यू डिवाइड बाय ये डिस्टेंस आर वन। तो यहां पे जैसे वैल्यू पुट अप करोगे, आपको पोटेंशियल वी की कुछ वैल्यू मिलेगी, तो वो होगा P के पास का पोटेंशियल। सेम उतने ही डिस्टेंस R1 पे अगर आप जाओगे, उतने ही डिस्टेंस पे, तो यहां भी यही पोटेंशियल की वैल्यू मिलेगी। सेम उतना ही डिस्टेंस यहां पे जाओगे तो इतनी ही वैल्यू मिलेगी। तो बच्चों याद रखना, आप याद रखना कि यही ये जो जगह है, ये सभी जगह यहां पे इक्विपोटेंशियल, यहां पे इक्विपोटेंशियल जो सरफेस होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसका मीनिंग ये सभी पॉइंट्स पे जो आर वन डिस्टेंस पे है, ये सभी पॉइंट्स यहां 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 सभी पॉइंट्स पे सेम पोटेंशियल होगा। मान लो यहां पे है वैल्यू 10, तो यहां 10 पोटेंशियल, यहां भी 10 जितना 10, यहां भी पोटेंशियल 10, सभी जगह पे पोटेंशियल 10 होगा, ये सभी जगह पे। समझ में आ रहा है? तो इसको मैं बोलूंगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब इसके बाद मान लो मैं नजदीक ड्रॉ कर रहा हूं, कोई एक थोड़ा पास ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये डिस्टेंस देखो R2, छोटा डिस्टेंस है R2, छोटा डिस्टेंस, जिसको मैं बोलूंगा KQ by R2। तो यहां पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, यहां पोटेंशियल V चेंज हो जाएगा, यहां V की वैल्यू चेंज हो जाएगी। सेम उसी तरह से ये देखो R2, तो ये जगह पे पोटेंशियल चेंज हो जाएगा KQ by R2। ये है वोल्टेज या पोटेंशियल V1, यहां है पोटेंशियल V2। तो बच्चों ये पूरे प्लेन में, यहां पे सरफेस पे, ये जो पूरा सरफेस है उस पे पोटेंशियल कुछ अलग होगा। मान लो यहां पे पोटेंशियल था 10, तो यहां पे पोटेंशियल है मान लो 18, तो यहां 18 जितना पोटेंशियल है, जितना नजदीक जाओगे पोटेंशियल बढ़ेगा, जितना दूर जाओगे पोटेंशियल कम होगा। मान लो कोई एक सरफेस यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं बाहर की ओर, तो ये डिस्टेंस ज्यादा है, ये डिस्टेंस ज्यादा है, तो ये सभी जगह पे क्या होगा बच्चों? ये डिस्टेंस ज्यादा है तो ये सभी जगह पे पोटेंशियल सेम होगा। मान लो यहां पे पोटेंशियल है 7 जितना, तो जितना दूर जाओगे पोटेंशियल कम, ये 7 है, यहां पे 10, यहां पे 18, 7, 10, 18, 25, जैसे जैसे पास जाओगे पोटेंशियल बढ़ेगा। लेकिन ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बोली जाएगी, सभी पॉइंट पे सेम पोटेंशियल, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस बोली जाएगी, सभी पॉइंट पे सेम पोटेंशियल, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस बोली जाएगी, सभी पॉइंट पे सेम पोटेंशियल।
तो बच्चों आप देख सकते हो यहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको दिखाई दे रही है। इक्विपोटेंशियल सरफेस मींस ऐसी सरफेस जहां पे पोटेंशियल सेम होता है। तो ये है इक्विपोटेंशियल का कॉन्सेप्ट। एक दूसरा एग्जांपल भी दे दूं मैं। मान लो यहां पे कोई यहां पे मान लो कोई एक पॉजिटिव प्लेन है। ये पॉजिटिव प्लेन है, यहां से इतने दूर दूसरा एक प्लेन होगा, यहां से इतना दूर दूसरा एक प्लेन होगा। तो बच्चों ये प्लेन में कोई भी पॉइंट ले लो, ये जो प्लेन है उसके ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, ये पूरे प्लेन में सेम पोटेंशियल होगा। ये पॉजिटिव से कुछ फिक्स डिस्टेंस पे दूसरा प्लेन है, तो ये पूरे प्लेन में फिक्स पोटेंशियल होगा। मान लो V1, यहां वैल्यू है मान लो 10, यहां वैल्यू है 10, तो पूरे प्लेन में कोई भी पॉइंट ले लो पोटेंशियल 10 ही मिलेगा। फिर मान लो पीछे एक दूसरा प्लेन है, तो यहां पे कोई भी पॉइंट ले लो पोटेंशियल सेम मिलेगा। तो ये क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस का मीनिंग एक ऐसी सरफेस जहां पे पोटेंशियल कैसा मिले आपको? सेम मिले, पूरी सरफेस पे पोटेंशियल सेम मिले, ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस बच्चों एक सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने का ये एक टॉपिक था। वैसे इसमें से 3-4 मार्क का क्वेश्चन आएगा नहीं, इसमें से 3-4 मार्क का क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन मैं अभी जो लिखने जा रहा हूं वो एक इंपॉर्टेंट है 3 या 4 मार्क्स के लिए। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये बहुत ही काम का है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये बहुत ही काम का टॉपिक है, बहुत ही काम का टॉपिक। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखो ये टॉपिक मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूं, ध्यान रखना बच्चों, ये टॉपिक मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। इसमें क्या है बच्चों, देखो ये जो टॉपिक है इसके अंदर रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये हमें यहां पे अच्छी तरह से डिराइव करना है, और ये काम का टॉपिक है, बहुत ही बार वो ये एग्जाम में पूछा गया है। चलो यहां पे हमें क्या करना है बच्चों, सुनो। सबसे पहले तो यहां पे मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर रहा हूं, यह है चार्ज क्यू, क्यू चार्ज, और उसके आजू बाजू में है इक्विपोटेंशियल सरफेस। यह है इक्विपोटेंशियल सरफेस, अब इलेक्ट्रिक फील्ड को तो आपको मालूम है आप ई बोलते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ई बोलते थे, पोटेंशियल को वी बोलते हो। ई और वी के बीच का रिलेशन चाहिए, ई और वी के बीच का रिलेशन हमें पूरा डिराइव करना है। तो बच्चों मैं आपको एक सिंपल सा रिलेशन बता दूं स्पीड में डिराइव करके, बहुत ही सिंपल सा रिलेशन फटाफट डिराइव करके बता दूं। ई का जो फॉर्मूला है वो होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, या तो डिस्टेंस है तो नीचे आप लिख सकते हो डिस्टेंस स्क्वायर, के क्यू बाई डिस्टेंस स्क्वायर, ये ई का फॉर्मूला है। वी का फॉर्मूला होगा के क्यू बाई डिस्टेंस, ई का फॉर्मूला के क्यू बाई डिस्टेंस स्क्वायर, वी का फॉर्मूला के क्यू बाई डिस्टेंस। तो
आप ये दोनों की हेल्प से V equals to ED लिख सकते हो। बहुत बार एग्जाम में पूछेंगे तो आपको तुरंत ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, V equals to ED, याद रखना V equals to ED, E means electric field, D means distance, V equals to ED। तो आप सोचोगे सर ये कैसे प्रूव होगा, तो देख लो V का फॉर्मूला क्या है, KQ by D, E का फॉर्मूला क्या है, KQ by D square into D, तो देखो left hand side equals to right hand side, V equals to ED, ये फॉर्मूला प्रूव हो गया, V equals to ED, या तो E equals to V upon distance, ये भी आप लिख सकते हो, E equals to V upon distance, ये याद रखना बच्चों, E equals to V upon distance, ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो आप, ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं V equals to ED, या तो E equals to V upon D, यहां पे मैं लिख रहा हूं, मुझे ऐसा कुछ रिलेशन डेवलप करना है, मुझे इस तरह का ही रिलेशन डेवलप करना है, पूरा डिराइव करना है, डिराइव करने के बाद इस तरह का रिलेशन या तो इस तरह का रिलेशन आना चाहिए। तो चलो ये कैसे आएगा, ध्यान रखो ये रिलेशन कैसे आएगा बच्चों, पॉजिटिव में से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है बाहर की ओर इस तरह से, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो सरफेस होती है उसके परपेंडिकुलर निकलता है, जो सरफेस होती है परपेंडिकुलर, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। फिर मान लो कोई चार्ज, टेस्ट चार्ज यहां पे है टेस्ट चार्ज Q नॉट, ये है टेस्ट चार्ज Q नॉट, जिसको डिस्प्लेसमेंट दिया ये डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दिया ये डायरेक्शन में, तो सोचो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ये साइड, डिस्प्लेसमेंट ये साइड, बीच में जो एंगल हुआ वो है थीटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो साइड जा रहा है उससे थीटा एंगल बना के ये चार्ज थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ, ये क्यू नॉट चार्ज जो टेस्ट चार्ज है, ये क्यू है सोर्स चार्ज, ये टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ ये साइड डीएस डायरेक्शन में, और वो ई के साथ थीटा एंगल बना रहा है, वो ई के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो बच्चों आपको मालूम होगा वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन का फॉर्मूला मालूम होगा आपको, क्या फॉर्मूला है, फोर्स, वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये आपको मालूम है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और यहां पे आप लिखोगे वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स डिस्प्लेसमेंट, डॉट साइन निकलेगी तो कॉस थीटा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट डॉट साइन निकलेगी तो कॉस थीटा, यहां पे आप देख सकते हो बच्चों। अब क्या होगा, तो फोर्स की जगह पे, फोर्स की जगह पे चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स एफ इक्वल्स टू क्यू ई, याद रखना ये आगे भी आगे है फर्स्ट चैप्टर में, फोर्स इक्वल्स टू क्यू ई, फिर ये डी एस, ये कोस थीटा, ये वर्क डन का फॉर्मूला हुआ, वर्क डन का फॉर्मूला इक्वेशन वन, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जिसमें फोर्स की जगह पे क्यू ई चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, डी एस कॉस थीटा। फिर बच्चों टेंथ स्टैंडर्ड में एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा था, टेंथ स्टैंडर्ड में पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क अपॉन चार्ज, पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क अपॉन चार्ज, ये एक और फॉर्मूला पढ़ा था, तो
आपको अगर वर्क कोई पूछे तो आप लिखोगे क्यूवी। आपको कोई वर्क पूछे तो आप क्या लिखोगे बच्चों? आप लिखोगे क्यूवी, क्यू इंटू वी। तो एक फॉर्मूला ये हुआ, नाउ वर्क डन इक्वल्स टू, नाउ वर्क डन इक्वल्स टू, आप क्या लिख सकते हो? क्यू, क्यू इंटू वी। पर ये जो वी है वो वी क्या है? चेंज इन पोटेंशियल। जब क्यू नॉट यहां पे था वन प्लेस पे, ये प्लेस वन है, वन प्लेस पे था तब पोटेंशियल था वी वन, फिर ये चला गया यहां पे, यहां पे चला गया टू प्लेस पे, तब यहां पे पोटेंशियल है वी टू। तो वी वन नजदीक पॉइंट है, ज्यादा पोटेंशियल होगा, वी टू दूर है, कम पोटेंशियल होगा। तो ये नजदीक, ये कम। तो जैसे आप यहां पे ज्यादा ज्यादा पोटेंशियल में से कम पोटेंशियल में जाओगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। तो यहां पे लिखना है चेंज इन पोटेंशियल डीवी, चेंज इन पोटेंशियल। क्या लिखूंगा मैं? चेंज इन पोटेंशियल डीवी। तो बच्चों डीवी का मीनिंग, ज्यादा पोटेंशियल में से कम पोटेंशियल में जाओगे पोटेंशियल में डिक्रीज होगा, इसलिए मैं यहां पे माइनस लिखूंगा। तो ज्यादा पोटेंशियल में से कम पोटेंशियल में गए, डिक्रीज इन पोटेंशियल, मैंने माइनस लिखा। वर्क डन का दूसरा फॉर्मूला, चार्ज इनटू पोटेंशियल, चार्ज इनटू पोटेंशियल, लेकिन माइनस क्यों लिखा? ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की साइड आप गए तो यहां पे मैंने माइनस लिखा है। ये हुआ मेरा इक्वेशन टू। अब दोनों इक्वेशन वर्क के ही इक्वेशन है, दोनों को कंपेयर करो। फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, दोनों वर्क के ही इक्वेशन है। तो क्यू नॉट ई डी एस कोस थीटा माइनस क्यू डीवी, ये क्यू नॉट है, सॉरी यहां पे क्यू नॉट टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है, क्यू नॉट लिखना पड़ेगा, यहां भी क्यू नॉट। तो क्यू नॉट कट हो जाएगा, क्यू नॉट कट हो जाएगा, बचेगा क्या? ई कोस थीटा इक्वल्स टू माइनस डीवी अपॉन डीएस। ई कोस थीटा इक्वल्स टू माइनस डीवी अपॉन डीएस, ये आपको लास्ट में मिला, देख लो। ई कोस थीटा इक्वल्स टू माइनस डीवी अपॉन डीएस, ये हमें लास्ट में मिला है, देख लो बच्चों, ये चीज हमें लास्ट में मिली। ई कोस थीटा इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई डीएस। अब क्या करना है? अब इससे आगे मैं जो रिलेशन डिराइव करने जा रहा हूं, इससे आगे ध्यान रखना बच्चों, यहां पे मैं पूरा रिलेशन डिराइव करने जा रहा हूं, ध्यान रखना बच्चों, पूरा रिलेशन हम डिराइव करेंगे अभी। देखो बच्चों यहां पे क्या होगा, यहां पे e cos थीटा है इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई डीएस है। तो बच्चों आप सोचो कि अगर आपका e एलिमेंट ये डिरेक्शन में जा रहा है, आपका e ये डिरेक्शन में जा रहा है, और मैं ये साइड लाइन ड्रॉ करके यहां पे थीटा बोलूंगा, मैं थीटा यहां पे बोलूंगा, तो बच्चों ये कौन सी लाइन है? ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, और मैंने थीटा यहां पे ड्रॉ किया, तो यहां पे ड्रॉ किया तो इसका नाम, ये वाई एक्सिस है, वाई एलिमेंट, ई का वाई एलिमेंट, लेकिन दूसरा नाम ई कोस थीटा भी हो सकता है। क्या हो सकता है? ई कोस थीटा। तो ये E है, थीटा बनाया मैंने इसके साथ, ये कौन सी चीज है? Y, Y एक्सिस, Y एक्सिस है, थीटा यहां बनाया, तो E का
ये जो एलिमेंट है ई का, ये एलिमेंट जिसको मैं बोलूंगा ई वाई, ई वाई इक्वल्स टू ई कोस थीटा, ई वाई इक्वल्स टू ई कोस थीटा है, याद रखना बच्चों। इसी तरह से मान लो ये जो वाई एलिमेंट बना, मान लो आपने इस तरह से ई लिया हुआ है और थीटा, थीटा आपने यहां पे बनाया, तो ये जो है वो बन जाएगा ई कोस थीटा। तो बच्चों याद रखना ई कोस थीटा क्या है, ई कोस थीटा है वो ई का एलिमेंट है। ई कोस थीटा क्या है कोई आपको पूछे तो वो ई का एक कंपोनेंट है या तो एलिमेंट। तो बच्चों ई के तीन एलिमेंट हो सकते हैं, एक्स वाई जेड, क्योंकि ई जो है ना वो वेक्टर है, आपको मालूम होना चाहिए ई वेक्टर क्वांटिटी है। उसके तीन एलिमेंट होते हैं, एक्स एलिमेंट, वाई एलिमेंट, जेड एलिमेंट। ई के तीन एलिमेंट होते हैं क्योंकि ई वेक्टर है। अब यहां पे ई कोस थीटा वो ई का ही कोई एक एलिमेंट है, ई कोस थीटा जो दिख रहा है वो ई का ही कोई एलिमेंट है। तो अब क्या होगा, मान लो ये ई एक्स है, मान लो ये ई एक्स है, एक्स एलिमेंट है, तो ये जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। और माइनस का माइनस, तो बच्चों यहां पे जो मैंने किया वो है पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन जब मैं स्पेशियल कोई एक्सिस के रिलेटेड करूंगा तब v का पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और पार्शियल डिफरेंशिएशन में v का डिफरेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू x ओनली। मान लो y एलिमेंट है, y कंपोनेंट, तो यही v का पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू y। मान लो ये z है, ये z है, तो v का पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू z। तो बच्चों v का पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो इसका मीनिंग कि e तो तीनों डायरेक्शन में फैला हुआ है, तो मुझे जब v की बात करनी है ex कंपोनेंट के रिलेटेड में, तो v का पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। y के रेफरेंस में बात करनी है, y के रेफरेंस में, तो v का पार्शियल डिफरेंशिएशन, v का पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y। अगर z के रेफरेंस में बात करनी है तो v का पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू z। तो ये ex, ey, ez, तो यही वैल्यू यहां पे पुट अप करोगे तो यहां पे माइनस डेल v, ये डेल बोला जाता है, डेल v अपॉन डेल x i कैप, फिर अगेन माइनस डेल v अपॉन डेल y j कैप, फिर अगेन माइनस डेल e डेल v अपॉन डेल z k कैप। तो ये जो e है, ये जो e, वो e में आप देख सकते हो, e में आप देख सकते हो कि डेल v अपॉन डेल x, डेल v अपॉन डेल y, डेल v अपॉन डेल z। v का डिफरेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू x ex, v का डिफरेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू y ey, v का डिफरेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू z ez, तब जाके ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो कोई आपको पूछे कि ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड वो कैसे मिलता है, तो v का पार्शियल डिफरेंशिएशन कर करके पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। तो इन शॉर्ट एक चीज याद रखना, यहां पे क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस। कहीं भी आप देखोगे, कहीं भी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू क्या होता है, पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस होता है। तो बच्चों वही चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में यहां पे डिराइव करवा दी।
स्टार्टिंग में ही मैंने डिराइव करवा दी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस। तो वही चीज हमने लास्ट में डिराइव की, वही चीज हमने लास्ट में डिराइव की बच्चों। तो याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वी के साथ जो रिलेशन है वो रिलेशन बहुत बार ये लोग पूछते हैं 3 या 4 मार्क में। तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल,